वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा हो गया। वज़ीर-ए-आला ने लाहौर प्राइम सीबीडी काइट डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला का रावलपिंडी में भी सीबीडी बनाने का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, पंजाब सीबीडी मंसूबा भी मुकम्मल कर दिया। मेन बुलेवार्ड को वाल्टन और डिफेंस से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबे से कारोबारी हजरात को भरपूर फायदा होगा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की सीबीडी आमद। मेन बुलेवार्ड का मुआयना, सेंटर पॉइंट से वाल्टन रोड तक ज़ेरे तामीर बुलेवार्ड के रूट का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तामीर बुलेवार्ड पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला की प्रोजेक्ट को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। पीसी में खसूसी अफराद के आलमी दिन की तकरीब। खसूसी बच्चे की फरमाइश पर वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आला ने महकमा सोशल वेलफेयर के वेब पोर्टल इनेबल्ड का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने 7 रोज में खसूसी बच्चों के सेंटर्स अपग्रेड करने का प्लान मांग लिया। बोले, खसूसी अफराद मुआशरे के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। खसूसी बच्चों को फेफ्टा के इदारों से ट्रेनिंग कराने की हिदायत। शहर में फजाई आलूदगी की शरह में कमी। आलमी दर्जा बंदी में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमू शरह 167 रिकॉर्ड। उधर स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। हुकूमत ने आयद पाबंदियाँ खत्म कर दी। 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान। स्मोक तदारक से मुतालिक केस पर 4 दिसंबर को समाप्त होगी। महकमे तहफ़ुज़ माहौलियात की टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन। आलूदगी फैलाने वाली मुतअद्दिद फैक्ट्रियां सील कर दी। कार्रवाई डीजी माहौलियात ज़हीर अब्बास मलिक की सरबराही में की गई। डीजी माहौलियात बोले, किसी को आलूदगी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। ओपन मार्केट में अशियाई कुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। परचून की दुकानों पर 20 किलो आटे का थैला 30 रुपए महंगा। 20 किलो आटे का थैला 2,860 रुपए में फरोख्त। गरम मसाला जात 40 रुपए फी किलोग्राम तक महंगे हो गए। दूध 20 से 70 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त होने लगा। दही, मटन और चिकन की कीमतों में भी इजाफा। सर्दियां आते ही गैस नायाब, लकड़ियां महंगी। लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। लकड़ियां 40 से 45 रुपए किलो में फरोख्त। गुज़िश्ता साल लकड़ी 20 रुपए किलो मिल जाती थी, रवां साल 15 रुपए इजाफा हो गया। नवाज मोड़ बागड़िया के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। साफ पानी की किल्लत, सीवरेज मसाइल, तबाहाल गलियां, सफाई के नाकिस सूरत हाल। मुतल्लिका इदारे दरपेश मसाइल हल करने में नाकाम। उधर बट्टा रोड मियां चौक ग्रीन टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। मुल्का सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इचरा महमूद स्ट्रीट 3 साल से टूट फूट के बायस बदहाली का शिकार। सड़क 3 साल कबल तरक्याती मंसूबे के तहत तोड़ी गई, मगर तामीर मुकम्मल न हो सकी। निकासियाब न होने से बारिश में सीवरेज का पानी घरों में आ जाता है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से सड़क की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा। रेड़ीवाला चौक जिलदार रोड इचरा में मसाइल की भरमार। जिलदार रोड की मेन सड़क जबू हाले का शिकार। खड़े होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन बिजली के लटकते तारों से भी परेशान। अहद खान सीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस। नैब ने अहद सीमा को भी रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। अहद सीमा की बरियत की दरखास्त पर नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने बरियत पर फैसला 8 दिसंबर तक महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार केस में नैब को मुश्किलात का सामना। उस्मान बुज़दार की तलबियों पर राह फरार के 7 माह गुजरने के बावजूद नैब सुराग ना लगा सकी। उस्मान बुज़दार का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का भी कोई फायदा ना हो सका। परवेज इलाही और मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। दोनों मुलजमान के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर। रेफरेंस नैब की जानिब से एहतसाब अदालत लाहौर में दायर किया गया। दोनों मुलजमान ने गुजरात के लिए गैर कानूनी 116 स्कीमें मंजूर कराई। नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला। मियां महमूदुर रशीद के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी।
अदालत का मुलजिम को 16 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर जमानत के बावजूद सनम जावेद खान की गिरफ्तारी का मामला पुलिस अफसरान के खिलाफ तोहिन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट में 4 दिसंबर को समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। पार्लिमानी बोर्ड ने इंटरव्यूज का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। सरगोधा डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। पार्लिमानी बोर्ड का मुश्किल वक्त में पार्टी से वफादार रहने वालों को टिकट देने का इंदिया। सरगोधा के बाद कुशाब मियांवाली और बकर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में क्याम। आज महरीन अनवर राजा के साहिबजादे की शादी में शिरकत करेंगे। साबिक सदर से पंजाब की क्यादत की मुलाकात भी आज मुतवक्के है। आसिफ अली जरदारी इंतखाबात के हवाले से खसूसी हिदायत देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की सदर यूएई और अवाम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का यूएई की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले यूएई के कौमी दिन पर भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से लम्स के तलबा के वफद की मुलाकात। वफद में कानून और सियासत के शोबे में तलबा शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने तलबा के कई सवालों के तफसीली जवाब दिए। तलबा को तारीखी गवर्नर हाउस लाहौर का भी दौरा कराया गया। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर गुजरा मुतहरिक। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का जिन्ना अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने पुलिस मुकाबले में जख्मी अहलकार की अयादत और गुलदस्ता पेश किया। पुलिस मुकाबले में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद अशफाक जख्मी हो गए थे। आईजी उस्मान अनवर की जेरे सदारत सीपीओ में वीडियो लिंक इजलास। आरपीओस सीपीओस डीपीओस की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। आईजी की आरपीओस डीपीओस को गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। चीनी माहरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग की जेरे सदारत इजलास। तमाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स की शिरकत। ट्रैफिक इंतजामात ला इन्फोर्समेंट और लाइसेंसिंग कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एडिशनल आईजी की अच्छी कारकर्दगी पर सीटीओ लाहौर को शाबाश। नाकिस कारकर्दगी पर मुजफ्फरगढ़ डीजी खान अटक चकवाल सियालकोट के अफसरान की सरजनिश। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का केनाल रोड अंडरपासेस का अचानक दौरा। दजीन और आयश का जायजा। कमिश्नर की अंडरपासेस पर सिविल वर्क रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे तक करने की हिदायत। अंडरपासेस पर दजीन और आयश के कामों की बेस पेंट का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेरे सदारत इजलास। पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के तहत गेम्स में डीपीएस को अव्वल आने पर मुबारकबाद। एचएसएम कॉलेज दूसरे, लकास स्कूल तीसरे नंबर पर रहा। कमिश्नर बोले डीपीएस को तालीमी सरगर्मियों का हामिल बेहतरीन इदारा बनाएंगे। बल्दिया उज़्मा लाहौर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफिया हैदर की हिदायत पर प्लानिंग विंग मुतहरिक। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि जोन में मुतअद्दिद इमारतें दुकानें और मार्केज मिसमार कर दी। लिंक जेल रोड पर गैर कानूनी जेरे तामीर 10 मरला बिल्डिंग की बालाई मंजिल गिरा दी गई। वेलाराम गामेशा पर जेरे तामीर 10 मरला प्लाजे को भी मिसमार कर दिया गया। लाइव स्टॉक इमरजेंसी नाफिज करने के तनाजुर में महकमा लाइव स्टॉक में अहम इजलास। सदारत सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर ने की इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डायरेक्टर जनरल की शिरकत। मवेशी पाल हजरात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। और शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के दूसरे कॉन्वोकेशन। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर सारा गफूर की शिरकत। डॉक्टर नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिग्री हासिल करने वालों से हेल्प लिया गया। इंस्टीट्यूट के तीनों यूनिट्स के तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया।